विमान में पेशाब करने वाले आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं एयर इंडिया ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पायलट के साथ ही 4 केबिन क्रू को ड्यूटी से हटा दिया है। जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर शंकर मिश्रा नाम के व्यक्ति की एक हरकत ने एयर इंडिया को अपनी पॉलिसी की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा सलाखों के पीछे हैं। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लगातार कोशिशों के बाद शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और वहां से उसे दिल्ली लाया गया। इससे पहले आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया गया ताकि वो देश छोड़कर भाग न सके। उसके पास दो फोन थे जिनमें से एक फोन का जो लोकेशन वो लगातार मुंबई नजर आ रहा था, जबकि दूसरा फोन से ये पता चल रहा था कि वो यहीं कहीं बेंगलुरु में मौजूद है। बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर में दिल्ली पुलिस की काफी मदद की और उन्होंने ही ये ट्रैक डाउन किया कि दरअसल शंकर मिश्रा बेंगलुरु के इस अपार्टमेंट में है। कुछ लोकल इनपुट्स थे और लोकल पुलिस ने भी मदद की और जो पैटर्न निकला उसमें कि कुछ जगहों पे शायद पहले भी रुका हुआ है, तो जो इनपुट्स थे उसके बेसिस करते दौरान ये पकड़ा गया। मामले को तूल पकड़ता देख एयर इंडिया भी हरकत में है। एयर इंडिया ने बताया है कि वो अपनी फ्लाइट्स में अल्कोहल पॉलिसी पर विचार करने जा रही है। कंपनी ने अपने 4 क्रू मेंबर और एक पायलट को नोटिस जारी किया है। ये वही स्टाफ हैं जो एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में ड्यूटी पर थे जिसमें शंकर मिश्रा ने सारी मर्यादाओं को पार कर एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। इस मामले में आज 2 और क्रू मेंबर के बयान और दर्ज किए जा सकते हैं। पुलिस ने विमान में सवार 3 को पैसेंजर्स को भी बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है। दिल्ली महिला आयोग ने एयर इंडिया की तरफ से कार्यवाही में देरी पर सवाल उठाए हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए DGCA को प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करने को कहा। पुलिस की कोशिश या चुनौती भी यही है कि 26 नवंबर को पेरिस से दिल्ली की फ्लाइट में क्या और कैसे हुआ ये सामने आए। यही वजह है कि उस विमान के क्रू मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है। एयर इंडिया में शर्मनाक हरकत के बाद अब गो एयर की फ्लाइट में भी महिला कर्मियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को गोवा से मुंबई आने वाली फ्लाइट में रूसी मूल के 2 विदेशी नागरिक भी थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने शराब पी रखी थी। इससे पहले कि फ्लाइट टेक ऑफ हो पाती इन दोनों ने क्रू मेंबर्स के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। पहले इन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब इन दोनों विदेशी नागरिकों की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो इन्हें उसी वक्त गोवा में ही ऑफ बोर्ड लार कर दिया गया। गो एयर एयरलाइंस ने इस घटना की जानकारी DGCA को दे दी है और अब इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में करीब 40 दिन पुराने मामले में आरोपी जेल भेजा जा चुका है। इस केस की खास बात यह है कि आरोपी के दोषी करार होने की स्थिति में एक नजीर बनेगी और भविष्य में इस तरह की हरकतों पर लगाम भी लगेगी। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।